हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब ने भी किया नागरिकों को अलर्ट। पाकिस्तान के इस शहर को तत्काल छोड़ने की दे दी नसीहत। जी हां दोस्तों, जारी कर दिया गया है गाइडलाइन। बताएंगे दोस्तों पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरब से जुड़ी बहुत बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ का मुंह बनते हुए दोस्तों क्या रिएक्शन आया है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां ताइवान में अब सबको लेनी होगी 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग, ताइवानी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर खुद शहबाज शरीफ ने माना कि उसके देश में है आर्थिक चुनौतियाँ। जी हाँ दोस्तों, आपको हर तरह की जानकारी भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेना और भारत का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरब ने भी किया नागरिकों को अलर्ट। मैरियट होटल को लेकर कर दिया आगाह। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को हुए आत्मघाती बम विस्फोट के बाद अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को सतर्क किया है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने रविवार को हमले की आशंका का हवाला देते हुए अपने सरकारी कर्मचारियों को इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जाने पर रोक लगा दी है। आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान की राजधानी को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और 10 अन्य घायल हो गए दोस्तों। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर वो ये है दोस्तों कि अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब ने भी जारी कर दी है एडवाइजरी। पाकिस्तान में हुए बम धमाके के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी सोमवार को अपने नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से शहर के अंदर रहने और यात्रा न करने की अपील की है। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने और शहर के भीतर यात्रा सीमित करने की सलाह दी गई है। इसी बीच सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान में चेतावनी जारी करके अपने नागरिकों को सतर्क रहने और जरूरत न होने पर बाहर न जाने की भी सलाह दी है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना के बारे में चेतावनी दी थी कि कुछ संदिग्ध इस्लामाबाद के मैरियट होटल में हमले की योजना बना रहे हैं। जी हां, अमेरिकी सरकार ने एक सुरक्षा चेतावनी में कहा है कि वो इस जानकारी से वाकिफ है कि अज्ञात व्यक्ति संभवतः छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद के मैरियट होटल में अमेरिकियों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब द्वारा जारी किए गए इस नए गाइडलाइन के बाद अब देखना ये होगा कि और कौन कौन से देश हैं जो पाकिस्तान को लेकर ये गाइडलाइन जारी करते हैं। ऐसे में दोस्तों ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत बड़ी घनघोर बेइज्जती दोस्तों, सुरक्षा पर सवाल का धब्बा लगता दिखाई दे रहा है। और इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी दोस्तों ऐसा बिल्कुल लगता दिखाई नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करेगा। दोस्तों इस पर आपकी अब क्या निजी प्रतिक्रिया होगी, और भारत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, पाकिस्तान पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए दोस्तों, बताइएगा जरूर। और इस वीडियो को जितनी ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो वीडियो को देख रहे हैं, बात करें एक और खबर की, जहां हमें चीन से है खतरा। ताइवान में अब सबको लेनी होगी 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, क्रिसमस के दिन चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद ताइवान अलर्ट हो गया है। इसके बाद ताइवान ने अपने देशवासियों के लिए एक खास ऐलान किया है। इसके तहत अब ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। अभी तक ये समय सीमा केवल 4 महीने की थी। ये शर्त साल 2024 से लागू होगी। ताइवान ने ये कदम इसीलिए उठाया है ताकि अगर चीन के साथ किसी भी तरह का टकराव की नौबत आती है तो फिर उसकी आर्मी मजबूत स्थिति में रहे। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन मंगलवार को इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए देश को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हालात लगातार बदल रहे हैं उसको देखते हुए केवल 4 महीने की अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। वेन के मुताबिक यही वजह है कि 2024 में 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लागू की जा रही है। ताइवान में चीन के साथ सिविल वॉर के बाद से 1949 में अनिवार्य मिलिट्री सेवा का नियम है। इसके तहत 18 साल से ऊपर सभी पुरुषों को 2 से 3 साल मिलिट्री में बिताने होते हैं। हालांकि साल 1996 के बाद इसमें कमी कर दी गई थी। साल 2008 में ये 1 साल किया गया और फिर 2018 में और कम करके 4 महीने किया गया था। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर शहबाज शरीफ ने खुद माना कि मौजूद आर्थिक चुनौतियों से मुश्किल में है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दो टुक स्वीकार किया है कि उनका देश डिफॉल्ट करने यानी कर्ज चुकाने में अक्षम की हद तक पहुंच गया था। हालांकि उनका दावा है कि अब स्थिति बेहतर है और पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने की नौबत अब नहीं आएगी। शरीफ ने सोमवार को एक समारोह में कहा कि जब वे सत्ता में आए तब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब था। उन्होंने कहा
कि गठबंधन यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार और अन्य संबंधित संस्थानों की सघन कोशिशों और देश की दुआ से हम डिफॉल्ट करने से बच गए हैं, लेकिन देश अभी भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। शरीफ ने बताया है कि इस वर्ष आई असाधारण बाढ़ के कारण पाकिस्तान को $30 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़ी महंगाई और दुनिया भर में आ रही मंदी ने हालात और गंभीर बना रखे हैं। उन्होंने देश में पेट्रोलियम और बिजली की महंगाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय हालात को जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि दोस्तों, आप देश में आतंकवाद को पनाह दो, आतंकवाद को पालो, आतंकवाद को बढ़ावा दो, लेकिन अगर देश में कुछ गलत होता है, देश के नागरिक परेशान होते हैं, तो आप उसको अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस का हवाला दे करके अपना पलड़ा झाड़ लो। ऐसी स्थिति और ऐसी नीति दोस्तों पाकिस्तान की शहबाज सरकार कर रही है। और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की सरकार थी उस टाइम डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच गया था पाकिस्तान, लेकिन अब नहीं है। यानी कि उनका कहना है कि वो जब से आए हैं तब से उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे अपने मियां मुंह मिट्ठू वाली स्थिति शहबाज शरीफ की होती नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं और खबर की, जहां पर पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा खैबर पख्तूनख्वा आतंकियों के आगे बेबस दिखी पाकिस्तान की सुरक्षा बल। जी हां, अफगानिस्तान के साथ लगती सीमा के पास पाकिस्तान के कई इलाकों में हालत बेहद खराब है। आतंकी गतिविधियां इस कदर बढ़ गई हैं कि वहां के सुरक्षा बल भी बेबस नजर आ रहे हैं। हालत खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा खराब है, जहां पिछले दिनों आतंकी गतिविधियों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। अल अरबिया पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों पर आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है। इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान चुनावी तैयारी में व्यस्त है और लगातार सुरक्षा मुद्दों की अनदेखी भी कर रहा है। दोस्तों साथ ही साथ बढ़ते हैं बड़ी जानकारी की तरफ, जहां नए साल में इस फ्रंट पर टकरा सकते हैं नाटो और रशिया, कभी भी कोसोवो सर्बिया के बीच छिड़ सकता है युद्ध। जी हां दोस्तों, नए साल से पहले रशिया की यूक्रेन को बहुत बड़ी चेतावनी, कहा हमारी बात मान ले वरना सेना करेगी इसका फैसला। जी हां दोस्तों, पूर्वी यूरोप में चल रहे यूक्रेन रशिया युद्ध के बादल अभी छोटे भी नहीं है, लेकिन टकराव का एक मोर्चा सुलगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि महीनों से चल रहा ये टकराव नए साल में युद्ध में तब्दील हो जाएगा और इस मोर्चे पर रशिया और नाटो देश एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। आलम दोस्तों ऐसा है कि सर्बियाई के रक्षा मंत्री मिलोस वुसेविक ने सोमवार बोले तो 26 दिसंबर को अपनी सेनाओं को कभी भी युद्ध के लिए तैयार होने का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं 2008 में सर्बिया से स्वतंत्र हुए कोसोवो ने भी पीछे न हटने का फैसला कर लिया है। रविवार बोले तो 25 दिसंबर को दोनों देशों की सीमा पर कथित तौर पर फायरिंग हुई थी। अब ऐसे में दोस्तों रशिया ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है यूक्रेन को, वो भी हम आपको बता रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इसी बीच रूसी विदेश मंत्री ने यूक्रेन को दो टूक शब्दों में बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सर्गेई लावरो ने कहा कि बात बहुत सरल है, अपने भले के लिए यूक्रेन हमारी बात मान ले, नहीं तो रूसी सेना इसका फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि कीव को अच्छे से मालूम है कि मॉस्को के प्रस्ताव उसके हित में है। रूसी समाचार एजेंसी टास ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरो के हवाले से सोमवार को कहा कि यूक्रेन के साथ हमारे प्रस्ताव में शासन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के विसैन्यीकरण और विमुद्रीकरण, रशिया की संप्रभुता के लिए खतरों का खत्म करना, हमारी नई भूमि वापस हो, बात बहुत सरल है, यूक्रेन उन्हें अपने भले के लिए पूरा करें, अन्यथा रूसी सेना द्वारा इस मुद्दे का फैसला किया जाएगा। अगर रूसी सेना इसका फैसला करेगी तो अंजाम क्या होगा वो हमें भी नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी चेतावनी यूक्रेन ने दे दिया है। अब ऐसे में दोस्तों 2023 नया साल आने वाला है, नया साल आने में अब कुछ ही समय बाकी है दोस्तों। आज 27 दिसंबर हो चुका है, अब ऐसे में लग रहा है जैसे 2023 में ये झड़प अब युद्ध में तब्दील होने वाली है। बहरहाल जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता हमारी यूक्रेन रशिया युद्ध को लेकर। दोस्तों और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें एक और खबर की, जहां नेपाल से बड़ी खबर, प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने पर खुश हुआ चीन, बधाई देते कहा कि द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत होगा। यानी कि दोस्तों चाइना को पता चल चुका है कि अब नेपाल के साथ उसके संबंध बेहतर होने वाले हैं, इसीलिए पहले बार ना करके दूसरी बार प्रचंड के सरकार में आते ही दोस्तों बधाई देना चीन ने सही समझा है। बता दें नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने पर चीन बेहद खुश है। सोमवार को चीन ने नव नियुक्त प्रधानमंत्री को बधाई दी। प्रचंड जो कि 68 साल के हैं, उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से देवभागी पार्टी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले 5 दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होकर रविवार को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले सरकार गठन का दावा पेश किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रचंड को चीन का समर्थक माना जाता है और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर प्रचंड और उनके मुख्य समर्थक केपी शर्मा ओली के रिश्ते पहले से ही नई दिल्ली के साथ कुछ बेहतर नहीं रहे हैं। दोस्तों प्रचंड को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई देते हुए काठमांडू स्थित चीन दूतावास के प्रवक्ता ने रविवार शाम ट्वीट किया कि नेपाल के 44वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए प्रचंड बोले तो पुष्प कमल दहल को हार्दिक
बधाई। भारत और चीन के राजदूतों ने भी प्रचंड को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने पर बधाई दी। प्रचंड के एक सहयोगी ने बताया कि नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनी राजदूत वांग शिन ने प्रचंड को फोन किया और उन्हें बधाई दी। अब ऐसे में दोस्तों देखना यह होगा कि नेपाल के रिश्ते भारत के साथ कैसे रहते हैं और चाइना के साथ कैसे रहते हैं दोस्तों। लेकिन प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने से एक चीज तो क्लियर है कि चाइना की तरफ नेपाल का झुकाव पहला होगा, बाकी जो भी होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये थी अभी की सबसे बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।